सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube के चैनल टेक्निकल कलाकार में। मेरा नाम है सुनील और दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने आ गया हूं। और आज की वीडियो बहुत ही खास उन लोगों के लिए जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं अपना एक यूट्यूब चैनल और जो कि परेशान हैं कि कौन सी नीच सेलेक्ट की जाए, कौन सा टॉपिक सेलेक्ट की जाए और क्या ऐसा टॉपिक हम लें जिस पर अगर हम वीडियो बनाएं तो वो वीडियो काफ़ी अच्छी चले और हमारा चैनल जो है वो जल्दी से बड़ा हो जाए और हम उससे पैसे कमाने लगे। सो आज हम उन्हीं कुछ टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी वीडियोस आप डाल सकते हैं या कौन कौन से टॉपिक पर आप अपनी वीडियोस को बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि टॉपिक्स आप उन टॉपिक्स को उठा सकते हो और उन टॉपिक्स पर अपनी वीडियोस को बना सकते हो। देखिए, इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि आप अपने अकॉर्डिंग ही कोई अच्छा सा टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, अच्छा सा नीच सेलेक्ट कीजिए जिस पर आप अपनी वीडियोस को बनाएंगे और जिसमें आप कंफर्टेबल हैं अपनी वीडियोस को बनाने के लिए। दूसरी बात आती है जब आप मल्टीपल चीज़ों के बीच में फंस जाते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता, मतलब आप खुद से ऐसा कहते हैं कि भाई मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी वीडियोज़ बनाऊँ। तो आज हम ऐसे कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे कि जिन पर जब आप वीडियोस बनाते हो तो वो वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल होते हैं। इसमें से पहले नंबर पे आता है कॉमेडी वीडियोस, वाइंस वीडियोस। ऐसी वीडियोस आपने देखी होंगी कि कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो कि रोस्ट करते हैं एक दूसरे को या फिर एक नॉर्मल सा बीच बीच में कुछ बोलते हैं, कुछ सी छोटी छोटी वीडियोस लगा देते हैं, कुछ एडिटिंग कर देते हैं, साउंड इफेक्ट्स लगा देते हैं और ये सब वीडियोस काफ़ी वायरल होती है क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और मोस्टली लोग घर में हैं और एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें जैसे हंसी आए, मजाक मस्ती या फिर प्रैंक वीडियोस। आप देख सकते हो आजकल फेसबुक पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रैंक वीडियोस चलते हैं और यूट्यूब पर तो आपको पता ही है कि प्रैंक वीडियोस कितने ज़्यादा, दिल्ली वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा प्रैंक वीडियोस शूट होते हैं। तो आप इनमें से कुछ ले सकते हो, यहाँ पर वीडियोस काफ़ी तेज़ी से वायरल होती हैं। दूसरी चीज़ एजुकेशन से ले सकते हो आप, लेकिन एजुकेशन में क्या आता है, एजुकेशन में वीडियोस काफ़ी थोड़ी सी कम अपेक्षाकृत मतलब वायरल होती हैं लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाई से और हमारा कितना दूर दूर या पास पास का नाता है वो तो आपको पता ही होता है। तो लोग जो हैं इस हिसाब से ही चलता है, तो आप एजुकेशन से रिलेटेड भी चैनल बना सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप टेक से रिलेटेड बना सकते हो, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ वीडियोस आप बना सकते हो, अपने टॉपिक चुन सकते हो कि आप लोगों को YouTube के बारे में बताओगे अगर आप YouTube के बारे में थोड़ी नॉलेज है तो, और या तो अगर आप ब्लॉगिंग के बारे में बताना चाहते हो, आप अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताना चाहते हो अगर आपको उसके बारे में आइडिया है तो, और नहीं है तो आप पहले आप उसको सीख सकते हैं उसके बाद वहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी वीडियोस काफ़ी अच्छे चलते हैं। अब बात करते हैं कि टॉपिक्स तो आपने कुछ देख लिए जैसे कि ब्यूटी के बारे में हो गया, कुकिंग के चैनल्स हो गए, तो ये सब महिलाओं के जो चैनल हैं, लेडीज़ के औरतों के चैनल होते हैं गर्ल्स के, तो ये काफ़ी अच्छे से मतलब चूँकि पता है आपको महिलाओं का क्या है कि उनको अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना सीखना है, कुछ इंटरेस्टिंग सीखना है, कढ़ाई बुनाई सीखना है या कुछ ऐसा, तो वो क्या होता है वीडियोज़ देखती हैं और उससे टाइम पर, या जैसे आपको पता है कि टीवी सीरियल्स होते हैं तो इसी तरीके से आप कुछ दो चार लोगों के साथ, जैसे कुछ बड़े यूट्यूबर्स अपना बनाते हैं चैनल तो दो चार लोगों के साथ मिलकर के कुछ एक्टिंग वीडियोस बना रहे हैं या सास बहू का कुछ ऐसे सीरियल टाइप से जैसे आजकल चलते हैं बहुत, तो आप उस तरीके से देख सकते हो। वो लोगों के द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं क्योंकि आपको पता ही कि हमारी महिलाएँ जो हैं वो टीवी सीरियल्स कितना देखती हैं, मतलब सास बहू वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेदर कि अगर पतिदेव कह दिए कि भाई न्यूज़ लगा दो तो ना बिल्कुल नहीं लग सकता, पतिदेव बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे जब तक ये सास बहू का नाटक ख़त्म नहीं होगा तब तक न्यूज़ नहीं लग सकती। सो ये फिलॉसफी रहती है हमारे घरों की, पिताजी लोग तो न्यूज़ देखते ही नहीं रही जब तक मतलब मम्मी के हाथ में होता रिमोट। सो ये सब कुछ चलता है तो आप इस पर कुछ बना सकते हो। या फिर अगर आप इनकम के हिसाब से देखो तो देखो जितनी ज़्यादा वीडियोज़ वायरल होती है, जितनी तेज़ी से वो होती है ना, तो उस पर जो मेन हमारी जो कमाई होती है एड्स से तो वो थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि उन लोगों के पता है कि वायरल वीडियोज़, ये सारी वीडियोज़ वायरल बहुत तेज़ी से होती है, ये सारी वीडियोज़ लोग देखना बहुत पसंद करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी अर्निंग कम होती है। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी ऐप का रिव्यू करते हो, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो, अगर आपको नहीं पता है तो क्या आप मुझे कमेंट करना, मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ पर क्या है कि आपकी जो अर्निंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर जो एड्स आते हैं वो थोड़े महंगे आते हैं और आप लोगों को कुछ सर्विसेज दे सकते हो, उससे आप कुछ अर्न कर सकते हो। तो अर्निंग के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप टेक्स से रिलेटेड बनाते हो, गैजेट के रिव्यू करते हो तो वहाँ से आप स्पॉन्सरशिप वगैरह तो सारी चीज़ें कर सकते हो।
तो सबसे पहले तो आपको देखो नीच कोई अच्छी सी आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसपे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हों, और उसके बाद आप उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाना शुरू कीजिए, ताकि आप कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है किसी भी टॉपिक पर। आप किसी को देख के मत चलिए यार कि मेरा दोस्त ये बना रहा है, उसका तेज़ी से चैनल ग्रो कर रहा है तो मैं भी बनाऊँगा, क्योंकि वो उसका है, आपका अपना अलग सीन है। कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है। तो अगर आपको पढ़ाई में अच्छा लगता है, अगर आपको लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप अपनी उस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए, आप लोगों को पढ़ाइए। इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम बात करेंगे कि किस किस टॉपिक पर आपको क्या क्या लेना चाहिए। फिलहाल ज़्यादा कुछ तो नहीं, आपके पास अगर एक नॉर्मल सा फ़ोन है और एक तो आज आप कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो फ़ोन होते हैं उनका कैमरा तो काफ़ी अच्छा होता है। मैं भी इस समय अपनी वीडियो जो है वो फ़ोन से शूट करता हूँ, तो आप कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्या क्या सामान लेना है वो मैं एक बार आपको बता दूंगा। अगर आप कर सकते हो, जैसे मैंने ये माइक लिया हुआ है, तो अगर आप खुद कुछ चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो तो ये सब ले लीजिए, क्योंकि इम्प्रूवमेंट जो होती है ना आपकी वीडियो में, वीडियो जब तक इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी लोगों को देखने में, एडिटिंग थोड़ी अच्छी सी नहीं होगी, या यू नो आई कैची नहीं होगा यार क्या अच्छा, तो वीडियो देखते रहते, क्योंकि बनाने वाले तो बहुत सारे हैं। वो एक्सक्यूज़ आप मत दीजिए कि मेरे पास ये सामान नहीं है या ऐसा नहीं करना है, किसी भी तरीके से लिमिटेड सामान के साथ करना है और वो डेफिनेटली अच्छा होगा, है ना। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद यानी कि लगभग हम डाल ही रहे हैं वीडियोस, तो कुछ ऐसे ही वीडियोस में इंटरेस्टिंग डालता रहूँगा जिससे आप लोग कुछ सीखते रहें। और अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आपका भी चैनल ग्रो कर जाए, और मेरा चैनल भी जल्दी से जल्दी ग्रो करवाइए, ताकि उसके बाद कुछ हमारी भी कुछ अर्निंग स्टार्ट हो सके, है ना। सो मैं आपको भी नई नई ट्रिक्स और टिप्स बताता रहूँगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।